अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शहबाज हुसैन और मेरे साथ जो फनकारा जो परफार्मर है गज़ल खान साहब। किसी तारफ की मुदाज नहीं है, पीटीवी में बहुत काम की है और अब फिल्म में भी साइन किए हैं और होस्ट भी हैं, रोड शो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी टीवी के ऊपर जो परफार्मेंस है और जो फिल्में इन्होंने साइन की हैं उसके ऊपर उनकी क्या वो हमें बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी गज़ल खान साहब, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आजकल आपने कुछ नई फिल्में साइन की हैं? जी बिल्कुल, मैंने दो नई फिल्में साइन की हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और टीवी पे आपने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की है, पीटीवी पे या ये प्राइवेट चैनल जो है उनमें भी आप कर रही हैं? मैंने पीटीवी पे भी काम किया है, समा पे किया है, हम टीवी पे किया है, ARY पे किया है, न्यूज़ वन के साथ किया है, कराची में भी काफ़ी काम किया है मैंने और वहाँ पे पीटीवी पे भी किया है, टैली मूवी भी बनाई है, उसके अलावा मैंने सिंधी मूवी में भी काम किया है, बेशुमार काम किया मैंने चैनल्स पे। बहुत काम किया आपने, तो बहुत काम किया है और बड़ा दिलचस्पी रखती हैं आप इसमें। तो ये फिल्मों में आपने अब साइन किया है, इस तरफ फिल्मों की तरफ आप आ रही हैं? जी जी, अच्छी बात है। फिल्मों में आपका क्या रोल है? एक करेक्टर में तो मैं सिस्टर का करेक्टर कर रही हूँ जो एक बड़ी बोल्ड है, बोल्ड मूवी है, बोल्ड वुमेन है, बाहर से आई हैं पढ़ के तो यहाँ, वो मतलब एक गांव में आई हैं तो उनके भाई जो है ना माशाल्लाह काफ़ी बड़े बदमाश टाइप हैं, तो उनकी सिस्टर क्योंकि वेल एजुकेटेड है बाहर से आई हैं, अब उनकी गैर मौजूदगी में वो नहीं है तो मैं खड़ी हो गई हूँ गन उठा के, इस तरह का करेक्टर है कोई मेरा। बहुत बहुत अच्छा करेक्टर है आपका। तो आप ये फिल्में भी कर रही हैं जी, और जो ड्रामे हैं उसमें आपने सिंधी ड्रामे भी बताया कि किए हैं? हाँ जी किए हैं। स्टेज की तरफ भी आपने कोई काम किया स्टेज पे? नहीं जी, स्टेज का काम मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं, इसलिए मैंने कभी इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी। तो और आपका कुछ सामाजिक खिदमत में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और आप ये बता रही हैं कि आपका ओल्ड हाउस बनाने में दिलचस्पी, आपको बूढ़े लोगों के लिए पनाहगाह जो है वो बनाया जाए, वो आप इस तरफ भी चाहती हैं कि ये भी खिदमत की जाए? जी बिल्कुल, सारे लोग बनाते हैं, हॉस्पिटल बना लिए, स्कूल्स बना लिए, लेकिन कोई इनके बारे में नहीं सोचता, तो मैं चाहती हूँ अगर मैं सामाजिक काम में आऊँगी तो मैं उनके लिए ओल्ड हाउस ज़रूर बनाऊँगी। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने भी ये पनाह गए बनाई हुई ओल्ड हाउस, जितने जो लोग बाहर सड़कों पे फुटपाथों पे सोते थे तो उनके लिए उन्होंने ये ओल्ड हाउसेज बना दी हैं कि जो बाहर ना सोए तो ओल्ड हाउसेज में पनाह ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसा ही आपका रहता है। जी बिल्कुल। और आप ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि आप ये लाहौर में भी आपने काम किया है, आपकी लाहौर पीटीवी में, कराची में भी आपने किया है? कराची में भी किया है। और आप कुकिंग में क्या ज़्यादा आपको डिशेज पसंद है? मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ लेकिन स्पेशल डिशेज हैं मेरी, कोरमा है, चपली कबाब है, पुलाव है, चाप्स है, ये मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। बनाती हैं आप? जी। और आउटिंग का भी आपको बहुत शौक है, बाहर सैर व तफरी का भी? डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा। आउट ऑफ कंट्री भी गई हैं आप सैर तफरी के लिए? नहीं, आउट ऑफ कंट्री जाने का अभी कोई इरादा नहीं मेरा और मैं गई भी नहीं हूँ, अभी पूरा पाकिस्तान देख भी नहीं मैंने मुकम्मल तौर पे देखा, मैं वो देखना चाहूँगी पहले। गिलगत, नरान, कगान, शुमाली इलाकाजात? हाँ जी, सवात देखा है मैंने, सवात बहुत ही खूबसूरत वैली है, मिंगोरा है, फिजागढ़ है, वहाँ पर बहुत अच्छी पार्क है, वो बहुत अच्छा है, वो सब मैंने देखा है, पेशावर देखा है, पिंडी देखा है, मरी भी गई अभी तक मैं, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिला मुझे ज़्यादा। जारी बात है कि आप मसरूफ़ है ज़्यादातर तो वो टाइम नहीं मिल सका, शोबिज में आप मसरूफ़ है तो मरी को नहीं आपने अभी देखा? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। और आप ये बताएं कि, और ये जो आपने ये बताया कि दो मूवीज़ आपने की है साइन और आगे भी आपको जब ये स्टार्ट हो जाती है इसकी शूटिंग तो फिर आपका क्या इरादा है मूवी की तरफ ही मुकम्मल तौर पे आने का के साथ साथ ड्रामे भी आप करती रहेंगी? नहीं जी, मैं टीवी को कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी पहचान जो है गज़ल खान वो टीवी से ही है, तो टीवी साथ साथ रहेगा और मूवीज़ भी चलती रहेगी। मूवीज़ भी दोनों तरफ आप टाइम देंगी और इसे अपने काम में दिलचस्पी। आपको ज़्यादा ये है कि शो को जो मतलब इंटरेस्ट लेती है वो किस में है, ड्रामों में या टीवी, ये इसमें आप फिल्मों में? अभी तक चूँकि अभी फिल्म मैंने साइन की है अभी की नहीं है, तो रिसेंटली जो काम चल रहा है वो मेरा टीवी से ही रिलेटेड है, तो टीवी में ही ज़्यादा है। टीवी में ज़्यादा,
फिल्मों में तो डांस भी करना पड़ता है, तो यार जो फिल्में जो होती है टीवी में तो नहीं इतना होता, तो आप इसमें कोई डांस वांस भी करेंगी? जी बिल्कुल करूँगी, डिमांड के मुताबिक। हाँ जी करूँगी, बिल्कुल करूँगी, क्योंकि जब मैं आई हूँ किसी जगह पे काम करने के लिए तो मुझे भरपूर काम करना चाहिए। बिल्कुल, जो फिल्म का मिजाज है उसके मुताबिक आप रोल करेंगी। जी बिल्कुल करूँगी। जी नाज़रीन, हमें उन्होंने बताया है कि मैं दोनों तरफ पूरा इंसाफ करूँगी और मैं फिल्मों में भी जो है वो डिमांड के मुताबिक रोल करूँगी। जैसे वो के शॉर्ट कपड़े और होते हैं वो भी आप पहन ही लेंगी ना? नहीं शॉर्ट कपड़े तो नहीं पहनूंगी, लेकिन ये है कि बाकी मैं अच्छे काम करूँगी। अच्छे काम करूँ, फिल्मों में तो कह देते हैं ना कि वो आप ऐसी चीज़ें पहने और ताकि टीवी का तो और मजाज होता है उसके ऊपर, तो सनसर है ना इतना ज़्यादा, तो फिल्में जो बन रही हैं अब पश्तो फिल्में भी बन रही हैं तो उसमें भी सारा ये रोल होता है। नहीं मैं इस तरह के करेक्टर नहीं करूँगी। आप देख के करेंगी ना? सारा बिल्कुल देख के करूँ, क्योंकि मुझे अपना इमेज लेके चलना है, खराब नहीं करना। खराब नहीं करना, बिल्कुल। फिल्मों में अक्सर वो है कि खराब करके तो फिर वो इमेज नहीं बनता, लेकिन आपको अपनी शोहरत का और अपना इस चीज़ का सारा पास है कि फिल्मों में कैसे रोल करने हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। एक्सीलेंट, बहुत